बागेश्वर पुलिस के मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने दो युवकों को 7 ग्राम से अधिक स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने कहा कि बागेश्वर जिले को नशा मुक्त करने की दिशा में सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोतवाली पुलिस के चेकिंग के दौरान दियांगण बाईपास के समीप हीरानगर हल्द्वानी निवासी पंकज मणि शर्मा तथा गैरखेत कपकोट निवासी नीरज सिंह कपकोटी को स्मैक के साथ पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पंकज शर्मा के पास से 4.36 ग्राम तथा नीरज के पास से 3.32 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने सफलता प्राप्त करने वाली कोतवाली पुलिस की टीम को 2,500 रुपया इनाम देने की भी घोषणा की है। पुलिस ने बताया कि नीरज कपकोटी इससे पूर्व भी 2 बार मादक पदार्थ के साथ पकड़ा जा चुका है। थाना पुलिस कोतवाली जो है बागेश्वर और हमारा SOG दोनों की एक अच्छी सफलता मिली है दोनों लोगों को। हमारे एक चेकिंग हमने करी, इसमें हमने 2 लोगों को हमने जब संदिग्ध लोगों को पकड़ा तो उन्होंने बताया कि उनके पास स्मैक है, उनके पास 7.68 ग्राम जो है टोटल स्मैक मिली हमें। इसमें एक विशेष बात यह थी कि ये हल्द्वानी से आया हुआ था एक व्यक्ति, इसमें पंकज मणि नाम से जो टैक्सी चालक है, और यहाँ पर आया था और उसने आकर के जो दूसरा लोकल है नीरज कपूटी उसको आकर के स्मैक भी दी, और बदले में जो उनके बीच पैसे का भी ट्रांजेक्शन हुआ। इन पूरी पूरे प्रकरण को हमने जो है कैच किया है और इनको पकड़ा है और इनको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है, और इनसे टोटल हमें 7.68 ग्राम स्मैक प्राप्त हुई। कीमत क्या है? देखिए, स्मैक की तो कोई बहुत लीगल वैल्यू तो कुछ होती नहीं है, लेकिन जो इन लोगों की बातचीत से लग रहा है कम से कम 60-70 हज़ार रुपये का टोटल कीमत की इनकी स्मैक है। अच्छा, ये दो आरोपी इनका फर्स्ट टाइम क्राइम है सर, इससे पहले भी पकड़े गए? नहीं, इसमें जो नीरज कपकोटी हैं इनके विरुद्ध 2 बार पहले भी हमारे यहाँ मुकदमे दर्ज हैं इसी NDPS में ही, और ये प्रोफेशनली जो है इस तरह के काम को कर रहे हैं, इसका ये सीधा सा मतलब है। विगत 2 वर्षों में भी इन पर मुकदमा है और ये 3रा मुकदमा है। दूसरे जो पंकज मणि है उसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं, अभी तक हमें जानकारी में ये आया है कि ये कहीं बहेड़ी साइड से स्मैक ला रहा था हल्द्वानी के बाद फिर ये डिस्ट्रीब्यूट के लिए ऊपर पहाड़ों की तरफ आता है, तो एक तरह से हमने एक छोटा सा चेन को ब्लॉक करा है, कोशिश करी है। बाकी चीज़ों को सत्यापित करेंगे हम, उनसे जो हमें नंबर मिले हैं लोकल में कौन लोग उनके साथ संपर्क में, ये सारी चीज़ें हम पता करेंगे। इसने ऐसा बताया है कि 2 बार मैं पहले भी आया हूँ, लेकिन अभी वो चीज़ वेरीफाई हम करेंगे इसके नंबर्स वगैरह के हिसाब से, क्योंकि आदमी झूठ भी बोल सकता है। तो पूछताछ में पता चला कि किसी गिरोह से तार इनके? नहीं, गिरोह नहीं है, देखिए लालच में ही आदमी रहता है कि शॉर्ट जल्दी से जल्दी अमीर बन जाए, गलत तरीकों को अपनाए, तो उसी क्रम में जो है चूँकि अब टैक्सी चालक रहा है ये, तो मूवमेंट भी इसका जगह जगह होता रहता है, बहेड़ी बरेली इन सब जगहों से भी संपर्क है इसका, तो और उत्तराखंड में तमाम जगहों पे आना जाना है इसका, तो उस आधार पे इसने उसको सोचा कि अगर हम सप्लाई करते हैं ऐसी जगह से तो मैं जल्दी ज़्यादा लाभ हो सकता है, इस मकसद से इसने काम किया है। सर, नशे के खिलाफ का जो आपका जो अभियान है सर, अन्य जिलों की पुलिस से भी तालमेल करके आज इसको आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, ये एक समन्वय की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि पूरे हमारे उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो प्रभावित हो रहे हैं स्मैक और चरस जैसी चीज़ों से। अब आप देख रहे होंगे सभी जिलों में इस पर विशेष रूप से अभियान किया जा रहा है, और हमारा जिला ने भी इसमें बहुत लगातार, पहले भी हमारे अधिकारी और जो साथ के थे उन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। तो 2,500 रुपये का रिवार्ड है मेरी तरफ से, और अच्छा काम किया है, भविष्य में और अच्छा काम करेंगे। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।